नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में विवाहिता ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर बड़ा भागलपुर, 9 नवंबर को गांधी की वेशभूषा में 5,000 बच्चे विश्व को देंगे शांति का संदेश। नगर निगम के लापरवाह रवैये के कारण बिना विसर्जन घाट से लौटी प्रतिमा, पूजा समिति के लोगों में दिखा आक्रोश। बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, भारी मात्रा में शराब और हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। और हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए 24 नवंबर को होगा कैंप का आयोजन, हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे जांच। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज में गुरुवार की सुबह 3 बच्चों की मां ने फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब पड़ोस की महिला मृतका के घर कपड़े लेने पहुंची तो फंदे से झूलता हुआ शव देखा, जिसके बाद महिला ने घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी। मृतक महिला की पहचान साहेबगंज निवासी चैतू साह की पत्नी गुड़िया देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा कि मृतका गुड़िया देवी की शादी 9 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतक महिला घर में ही सिलाई कटाई का काम करती थी। पति चैतू साह ने कहा कि सुबह तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह भी प्रतिदिन की तरह ठेला चलाने निकल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके मौत की सूचना दी। हालांकि घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मचा हुआ है। बाजार से अरे यहाँ आए, फोन किया, मैं बोल रहा कि मैं देखो फोन आया, घर आए तब देखे बड़े गाले गोबर तबर में किए बोला यार कुछ नहीं, ऐसे सब कुछ बच्चा बुतरी लगा सुना के सब कुछ स्कूल परीक्षा होता है, अभी छोड़वा का है बाबू गिर जाए माई देखने लिए बेटा परीक्षा हो जाए। हमें फोन आया कुंदन का कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, एक फांसी लगा लिया है। हम ऑफिस में खुला ही ऑफिस छोड़ के भाग गए, यहाँ आए तो देखें कि एक महिला लटकी हुई थी। महिला को देखें कि लटकी हुई है तो सभी लोग इच्छा हुआ कि खोल दें, लेकिन हम प्रशासन को फ़ोन किए, उसी के माध्यम से आकर के सारा देखभाल किए तो पता चला कि फांसी लगा लिया है। उसी में सब लोग आ गए यहाँ, सब एक आधे सरकारी आदमी भी आए और प्रशासन भी आए, सब लोग अपने स्तर से देखभाल कर रहे हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर यस वी कैन डू द्वारा मन में बापू कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को स्थानीय होटल में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने की। इस दौरान अर्जित शाश्वत ने बताया कि भागलपुर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो, इसको लेकर 9 नवंबर को सैंडिस कंपाउंड मैदान में 5,000 बच्चे गांधी की वेशभूषा में मौजूद रहेंगे, जो विश्व को शांति का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है और भागलपुर एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। भागलपुर एक संस्था है जो कि 150वीं जयंती जो गांधी जी की हो रही है उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करने जा रहा है। एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट, इसमें एक साथ 5,000 स्कूली बच्चे गांधी जी बन करके और विश्व को शांति का संदेश, ये पहली बार होगा 5,000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ एक वेशभूषा में गांधी जी बन करके एक स्थान पर एकत्रित होंगे और इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आज क्या आज एक बैठक, जितने भी स्वयंसेवी संस्थान भागलपुर में हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं भागलपुर के लिए, वो सभी लोग एक जगह आए हैं ताकि इसके लिए हम लोग कल परसों जो काम करेंगे और 9 तारीख को जो हम लोग का इवेंट होगा उसमें उनकी सहभागिता कैसे रहेगी उसके लिए हम लोग बैठ रहे हैं। भागलपुर में पहली बार विसर्जन के लिए घाट पर पहुंची प्रतिमा बिना विसर्जन के ही वापस मंदिर में लौट आई और इसकी वजह बना स्मार्ट सिटी भागलपुर का स्मार्ट नगर निगम। दरअसल एनजीटी के आदेश के कारण गंगा में प्रतिमा विसर्जित करना प्रतिबंधित है। बुधवार की देर शाम दुर्गा बारी पूजा समिति की ओर से स्थापित माँ जगधात्री की प्रतिमा को विसर्जन के लिए मुसहरी
घाट ले जाया गया था, जहां मुसरी घाट पर प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए तालाब में पानी नहीं होने के कारण पूजा समिति के लोगों के लिए विसर्जन करना मुश्किल था, जिसके बाद पूजा समिति के सदस्य प्रतिमा को वापस मंदिर ले आए। पूरे मामले को लेकर सचिव सुब्रत मोइत्रा ने नगर निगम प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पूजा समिति के लिए अधिकारियों ने नियम तो बना दिए, लेकिन उन नियमों की धज्जियां नगर निगम के अधिकारी उड़ा रहे हैं, जिसके कारण विसर्जन के लिए गई प्रतिमा को वापस लाना पड़ा। पत्राचार करने के बाद भी हमारे कार्यकर्ता, नगर निगम, थाना, काउंसिलर सबके पास दौड़ भाग करने के बाद भी जो आश्वासन हम लोग को मिला था कि 4 बजे तक पोखर में पानी हो जाएगा, बहुत ज्यादा 5 बजे तक हम लोग प्रतिमा ले गए विधिवत, लेकिन दुर्गावाड़ी के इतिहास में सबसे पहले हुआ। मैं समझता हूँ कि भागलपुर के इतिहास में भी, जो वहाँ जाने के बाद कुछ एक बूंद ना पानी और चारों तरफ गंदगी और मोर ओवर अंधेरा, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आदमी कीचड़ भी नहीं डालने को सकता है, जिस जगह में विसर्जन के बाद ये लोग कह रहे हैं। तो अब जो है फिर हम लोग को ये भी बोला गया कि बरारी में बंदोबस्त हो रहा है, बरारी में, लेकिन वहाँ के भी बंदोबस्त जो बोला गया था उसमें भी ये लोग नाकामी दिखाए। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के मोतीहाट के समीप बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार के परकच्चे उड़ गए। इस दौरान कार में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में शराब भी सड़क किनारे बिखर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाराहाट पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए कार में सवार मधेपुरा निवासी सिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 3 कारतूस एवं 1400 पाउच देसी शराब को बरामद किया है। SP ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। करीब 2-3 किलोमीटर चेज करके इस गाड़ी को पकड़ा गया, उसमें से एक आदमी गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम सिंटू है, वो मधेपुरा का रहने वाला है, टाउन थाना क्षेत्र का। 2 अन्य सवार भी थे जो भागने में सफल रहे, लेकिन उनका नाम वगैरह उनको मिला है। उसके पास से उस गाड़ी में 1400 पाउच जो झारखंड निर्मित देशी शराब है वो बरामद हुआ है। इसके पास से जो सिंटू पकड़ा गया है, इसके पास से एक पिस्टल, जिसको इसका मैगजीन निकालने पर उसमें 3 गोली भी लोड था, ये पाया गया है। जो 2 अन्य साथी हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुख्यात अपराधी हैं और मधेपुरा के कई केसेस में चार्जशीट रहे हैं। भागलपुर में हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए 24 नवंबर को हृदय रोग विशेषज्ञों के द्वारा IMA हॉल में कैंप लगाया जाएगा। कैंप को लेकर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर अजय ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता के सहयोग से हार्ट जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब परिवार के बच्चे जो हृदय रोग से ग्रसित है उसका इलाज हार्ट विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंप में रविंद्रनाथ टैगोर हार्ट इंस्टीट्यूट के 3 हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, जो हृदय की बीमारी से ग्रसित बच्चों की जांच कर उचित परामर्श देंगे। ऐसे बच्चे के लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष में राशि उपलब्ध रहती है, लेकिन यहाँ के गरीब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे अभिभावक उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं और उस राशि का उपयोग नहीं दे पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि ऐसे बच्चों का बीमारी डिटेक्ट करके, पहचान करके, उसको हम लोग प्रशासन के पास सम्मिलित रूप से जाएंगे और उसका आय प्रमाण पत्र बनना हो, चाहे हम लोगों को संबंधित अधिकारी के पास जाना हो या हम लोगों को पटना के ऑफिस तक जाना हो, हम लोग उसको जाएंगे और उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से जो इसके लिए आवंटित राशि है वो दिलवाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं।
30 फीट चौड़ी सड़क नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7709098948210979757763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र विक्रमशिला पहुंच पथ पर गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंद डाला। घटना को अंजाम देने के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक महिला की पहचान अमरी विशनपुर निवासी सुबोध मंडल की पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक महिला गुरुवार को मधेपुरा चौसा से वापस अपने घर अमरी विशनपुर लौट रही थी, तभी विक्रमशिला पहुंच पथ के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने महिला को कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची परवत्ता पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में गुरुवार को नाथनगर पूजा समिति की ओर से धूरी यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा का आयोजन पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पप्पू यादव ने कहा कि सरेआम काली पूजा महासमिति के महामंत्री धूरी यादव की हत्या से पूजा समिति के सदस्य काफी आहत हैं। उन्होंने घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 20,00,000 रुपया मुआवजा देने और परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं उपाध्यक्ष विक्रम यादव एवं भवेश यादव ने कहा कि अगर पूजा समिति के सदस्यों के साथ इस तरह की घटना होती है तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के नाम पर आगे नहीं आएगा। मौके पर देवाशीष बनर्जी, अशोक राय, नेजाहत अंसारी, शिव शंकर सिन्हा सहित कई सदस्य मौजूद थे। आज हम सब नाथनगर तमाम पूजा समिति के लोग, जो भागलपुर के कार्यकारिणी दुर्गा पूजा के अध्यक्ष धूरी यादव, काली पूजा के महामंत्री थे, उनकी जो हत्या हुआ, पूरे भागलपुर दुख है। आज नाथनगर ने उसके लिए शोक सभा किया और मांग करते हैं सरकार से कि उन्होंने भागलपुर में दोनों समुदाय में शांति सद्भाव में एनी टाइम प्रशासन को मदद किया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवार को 20,00,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। और अभी दुख के घड़ी में तमाम हमारे पूजा समिति भागलपुर हो या नाथनगर हो, नाथनगर की जनता उनके परिवार के साथ है। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा करते हुए 31 दिसंबर तक जिले में सभी अतिक्रमित तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश सीओ को दिया है। साथ ही डीडीसी ने सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी को रद्द करते हुए दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। डीडीसी ने भवन निर्माण विभाग को शोकता निर्माण, मनरेगा के तहत वृक्षारोपण, पॉलीथीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने एवं पॉलीथीन बेचने वाले के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में डीआरडीए निदेशक प्रमोद कुमार पांडे, उपनगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र गोला चौक के समीप जाम हटाने गए अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक विजय कुमार सिंह की ऑटो चालक टिंकू पासवान ने सरेआम धुनाई कर दी। पुलिसकर्मी को पीटता देख मौके पर मौजूद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू शाह एवं स्थानीय दुकानदारों ने पुलिसकर्मी को बचा लिया। घटना के बाद गोला चौक पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण घंटों आवागमन बाधित हो गया। इसी दौरान मौका देखकर ऑटो चालक मौजूद लोगों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भाग निकला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक का पीछा करते हुए पवई के समीप गिरफ्तार कर लिया। नक्सली के नाम पर सड़क निर्माण कंपनी से लेवी वसूलने वाले शातिर बदमाश को बांका पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के रामपुर से रामसरिया मोड़ तक सड़क का निर्माण कार्य औरंगाबाद की अरविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। कंपनी के कर्मी ने नक्सली के नाम पर फोन के माध्यम से 20,00,000 रुपये लेवी मांगने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जाँच के दौरान मोबाइल नंबर फुल्ली
मामले डुमर के बजरंगी यादव के नाम से पाया गया। एसपी ने कहा कि रंगदारी मामले में बजरंगी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही बजरंगी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं पुलिस ने आरोपी बदमाश को जेल भेज दिया है। भागलपुर नरगाकोटी स्थित पुरनमल सावित्री देवी बालचोरिया सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में गुरुवार को प्रांतीय प्रचार प्रमुख राकेश नारायण अम्बष्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन राकेश नारायण अम्बष्ट, मीडिया प्रमुख संतोष कुमार एवं संवाददाता प्रमुख दीपक झा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को समाज और देश तक पहुंचाता है। देश की उन्नति एवं प्रगति में मीडिया का अहम योगदान होता है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, अनंत कुमार सिन्हा, मनोज तिवारी एवं मीडिया प्रभारी मौजूद थे। भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं और विद्या भारती संगठन है जो अशासकीय क्षेत्र में देश में सबसे बड़ी संस्था है, और इस विद्या भारती के माध्यम से हम समाज का परिवर्तन करना चाहते हैं और बालक का बालिका का सर्वांगीण विकास के दृष्टि से बहुत सारे कार्य हम सभी करते हैं, परंतु उन कार्यों का समाज में ठीक ढंग से जा नहीं पाता है। इसलिए पूरे देश स्तर पर विद्या भारती ने एक प्रचार विभाग का गठन किया है ताकि हर क्षेत्र से जो भी हमारी गतिविधियां हैं सर्वांगीण विकास के दृष्टि से वह समाज में अच्छी तरह से जा सके। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला बाजार में 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा गुरुवार को निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शोभा यात्रा भैरव स्थान मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। मेला शांति समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि वृंदावन धाम से आई कथावाचिका कुमारी प्रियंका भारती के मुखारविंद से राम कथा का प्रवचन होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में ग्रामीणों के सहयोग से राम कथा का आयोजन किया जाता है, साथ ही भव्य मेला भी लगता है। शोभा यात्रा को सफल बनाने में बजरंग दल, स्टूडेंट क्लब और बाजार युवा संघ के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में विवाहिता ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ा भागलपुर, 9 नवंबर को गांधी की वेशभूषा में 5,000 बच्चे विश्व को देंगे शांति का संदेश। नगर निगम के लापरवाह रवैये के कारण बिना विसर्जन घाट से लौटी प्रतिमा, पूजा समिति के लोगों में दिखा आक्रोश। बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, भारी मात्रा में शराब और हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। और हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए 24 नवंबर को होगा कैंप का आयोजन, हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।